आज हमारे दिन की शुरुआत होती है दोस्तों लॉबी से। किसकी लॉबी से दोस्तों? होटल मैपल अवे की लॉबी से। तो चलो आओ ब्रेकफास्ट में टाइम क्यों लगाएं, फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद में जोधपुर घूमने के लिए निकलते हैं। जोधपुर घूमने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम पहुंचे मेहरनगढ़ फोर्ट में, जो होटल के बहुत पास लोकेटेड था। काफी कुछ फोर्ट में हमने देखा और जानकारी ली, उसके बाद में सोचा यार चलो अब बारी थी उम्मेद भवन देखने की। तो चलो आओ आपको पहले एक छोटा सा मॉडल दिखाते हैं, जो कि पूरा उम्मेद भवन का, उम्मेद भवन के अंदर ही ये डिस्प्ले में लगा रखा है। बट अब इस टाइम पे हम हो रहे थे लेट, तो चलो जू बंद होने से पहले जू में जानवर भी देख लेते हैं। अरे वाह क्या घड़ियाल है भाई, मैंने तो पहली बार देखा है। और अलग अलग तरीके के जानवर देखते हुए हमने ना वहां पे ई कार्ट कर ली थी, और जो बैटरी वाली कार्ट थी दोस्तों हमें सब तरफ से ले जाती चली गई। मोर भी हमने देखा और उसके बाद में अब बारी थी शेर को देखने की, मगर शेर इस टाइम पे पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। तो चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं उस पहाड़ी पे ऊपर की तरफ चलते हैं और वहां से शेर का नजारा देखते हैं, थोड़ा बहुत उसको भी छेड़ेंगे और उसके बाद आगे चलने का रास्ता तैयार करते हैं। चलो अब भालू भी हमने देखा और बहुत सारे जानवर हमने देखे। अरे इतने सारे जानवर थे, आधों से ज्यादा तो हमें पता भी नहीं थे क्या क्या कहते हैं उनको। तो उसके बाद में थोड़ा आसपास पढ़ना पड़ा, अरे ये मोगली कहाँ से? अरे मोगली नहीं है, मोगली वाला भेड़िया है जो कि अपनी मांस मच्छी खा रहा है। लाफिंग हायना भी हमने देखा और उसके बाद में उड़ते तो ये तो भैया अजगर है, और पॉक्यूपाइन भी। अब लास्ट में निकलने से पहले बाहर तोता तो देखना बनता था। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बीता आज का ये अपना लाजवाब दिन। हमारी वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेते हैं प्रभु का नाम। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। अच्छी खासी एंट्री बना रखी है, सिंपल सी। चलो पीछे एक एंडेवर गाड़ी भी आ रही है भाई, उसको जाने दो, नहीं तो वो जो है ना वीडियो मुझे बनाने नहीं देगा, बार बार पीछे से हॉर्न मारता रहेगा। मैंने कहा जा भाई तू चला जा, और देख लो कितना प्यारा रास्ता बना रखा है। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मजा आ जाता है मतलब गाड़ी चलाने में। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा दोस्तों, फ्लाइट वगैरह से मत आओ अगर आपको गाड़ी चलाने में थोड़ा सा भी मजा आता है ना। तो दोस्तों गाड़ी लेके आओ, चाहे फॉर्चुनर हो, चाहे छोटी गाड़ी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे बड़ी हो, जैसे मर्जी हो भैया, मजा देखो। जिसको आता है ना वो तो ऑल्टो भी चलाने में मजा ले लेता है अच्छे से। तो चलो ये मेरे ख्याल से सामने उम्मेद भवन आ ही चुका है, जहाँ पे भी कार की पार्किंग वगैरह होगी वहाँ पे कार को पार्क करते हैं। बाकी यहाँ पे जो मेहरनगढ़ फोर्ट था वहाँ पर भी काफ़ी फॉरनर्स थे, यहाँ पर भी नेचुरल सी बात है फॉरनर्स तो मिलेंगे। चलो देखते हैं, 3:30 बजे के आसपास बज रहे हैं, तो देखो जितना हो पाएगा कवर करते हैं और उसके बाद में फिर अपना, क्योंकि 5-1 बजे के आसपास तो सारी फोर्ट वगैरह बंदी हो जाते हैं, किसी का टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, देखते हैं। भारत के राजस्थान के जोधपुर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। महल का एक हिस्सा ताज होटल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसका नाम वर्तमान मालिक गज सिंह के दादा महाराजा उमेद सिंह के नाम पर रखा गया है। महल में 347 कमरे हैं और यह पूर्व जोधपुर शाही परिवार का प्रमुख निवास स्थान है। महल का एक भाग संग्रहालय है। उमेद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास एक संत के श्राप से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि राठौर राजवंश के अच्छे शासन के बाद सूखे की अवधि आएगी। इस प्रकार प्रताप सिंह के लगभग 50 वर्षों के शासनकाल के अंत के बाद जोधपुर को 1920 के दशक में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। इस कठिनाई का सामना करने वाले क्षेत्र के किसानों ने तत्कालीन महाराज उमेद सिंह, जो जोधपुर में मारवाड़ के 37वें राठौर शासक थे, ये मदद मांगी ताकि उन्हें कुछ रोजगार प्रदान किया जा सके ताकि वे जीवित रह सके। कठोर परिस्थितियां, किसानों की मदद के लिए महाराजा ने एक भव्य महल बनाने का फैसला किया। उन्होंने महल की योजनाएं तैयार करने के लिए हेनरी वॉन लेचेस्टर को वास्तुकार के रूप में नियुक्त किया। लेचेस्टर इन्होंने ही नई दिल्ली की इमारतों की योजनाएं बनाई थी। महल को पश्चिमी तकनीक और भारतीय वास्तुकला सुविधाओं के मिश्रण के रूप में डिजाइन किया गया था।
महल का निर्माण धीमी गति से किया गया था क्योंकि इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्षेत्र में अकाल पीड़ित किसानों को रोजगार प्रदान करना था। इसकी आधारशिला 1929 में रखी गई थी। इसके निर्माण में लगभग 2000 से 3000 लोग लगे थे। महल पर महाराजा का कब्जा 1949 में इसके पूरा होने और भारतीय स्वतंत्रता की अवधि के करीब होने के बाद हुआ। दोस्तों अपना उमेद भवन भी हम घुमाए, अब कहाँ पे जाना है वो अभी हम इस टाइम पे ना सर्च कर रहे हैं। गर्मी का कहर यहाँ पे बहुत तगड़ा यार, मतलब इससे तो दिल्ली की गर्मी बहुत सही है। मतलब फिलहाल यहाँ पर 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है, बट मान के चलो 48 डिग्री से कम की फीलिंग नहीं है। बड़ी तगड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हो। एसी के ब्लोअर की भी आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी, बहुत तेज़ चल रहा है इस टाइम पे। चलो कोई बात नहीं भाई, जो भी है सो है, इस टाइम पे हमने ही चूज़ करा है आना। तो चलो जी चलते हैं अब आगे, कुछ जहाँ पे जाना है मैं देखता हूँ कहाँ पे जाते हैं। अब हमने डिसाइड करा है, एक काम करते हैं कातिलाना लेक पे चलते हैं। भाई कातिलाना लेक नहीं है, कायलाना लेक उसका नाम है। और उम्मीद भवन से आधे घंटे का या 24 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है, तो वहीं पर चलते हैं। अभी 4:30 हो रहे हैं, 5 बजे से ना वहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। एरिया में वो फैला हुआ है, बहुत बड़ा लेक है, वहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। आसपास के जो है ना रॉक की फॉर्मेशन है, काफी कुछ दिख जाता है। पास में जू भी है, जू की भी देखो कोशिश करेंगे, क्योंकि 5 तो बजने ही वाले हैं और वहां पे लिखा हुआ है कि भैया 5 बजे जो है ना ये लोग कर देते हैं जू को बंद। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि वो जू हमें ओपन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोशिश करेंगे, अगर जू ओपन मिलता है तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले जू ही देख लेंगे और उसके बाद में लेक देख के, और फिर एक रात को ना लाइटिंग होती है वहां पे। पार्क का नाम बताया था, मैं बोल रहा हूँ, बाकी मैं एक बार GPS पे चेक करके फिर आपको दोबारा से बता दूंगा। तो चलो फिलहाल तो कातिलाना लेक, अरे कातिलाना लेक नहीं दोस्तों, कायलाना लेक पे चलते हैं। भाई हम पहुंच गए यहाँ पे 5 बजे में 10 मिनट पहले तक, और यहाँ पे जो है ना ये जो है माचिया जैविक उद्यान जोधपुर, ये जो है ना 5:30 तक पार्किंग वाले भैया ने बताया ओपन रहता है। तो चलो आओ फटाफट जो है ना इस पार्क की पर्ची कटवा लेते हैं, यहाँ पे जो भी कुछ है देखते हैं दिखाते हैं। अब मैंने क्या किया था, एंट्री पे ही इलेक्ट्रिक कार्ट की पर्ची कटती है, तो पूरे जू में आपको घुमा देती है वो। तो मैंने वही पर्ची कटवा ली थी, पर फैमिली एक पर्ची कट जाती है। तो अब यहाँ पे हम आ चुके हैं भाई घड़ियाल के पास में। तो देखो भाई मैंने तो पहली बार घड़ियाल देखा है कि देखो किस तरीके से अपना चल रहा है। हाँ मगर ये है, ये पतले मुंह वाला है, मोटे मुंह वाले, बड़े छोटे छोटे वाले मुंह वाले भी आते हैं, होते हैं। चलो आगे बढ़ते चले जाते हैं, रास्ते में देखते चले जाते हैं क्या क्या दिखता रहता है। ब्लैक बक, देख पिकॉक ने पूरे पूरे पंख खोल रखे हैं। चलो जी इस तरीके से भाई सारे पक्षी जानवर वगैरह सब कुछ देखते चले जाते हैं। और भैया की जो ये कार्ट है ना, इसमें थोड़ी सी बैटरी डाउन है, मगर कोई बात नहीं, भैया एक्सपर्ट ड्राइवर अपने साथ में अंकल जी ने भेजे हैं। तो चलो अभी तो हमने आपको मगरमच्छ दिखा दिया था, पिकॉक दिखा दिया था, अब बस आगे चलते चले जाते हैं, आगे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, लिखा हुआ है वाटर हट, रेस्टिंग शेल्टर है भाई ये तो। इस तरीके से मेरे ख्याल से भाई देखो लोग शाम को ही आते हैं, शाम को आके ना 282 रुपीज़ में पूरी फैमिली का 4 से 5 मेंबर्स का भी ना एक कार्ट आपका आराम से बुक हो जाता है। तो इसी तरीके से ज़्यादा बेनिफिशियल है कि भैया इस रेट पे आप कार्ट को लेके और आराम से पूरे इसमें घूमो। भैया भी जो है ना बीच बीच में रोक रोक के आपको दिखाते चले जाएंगे कि कहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं, क्या क्या है। अभी तो हमने क्रोकोडाइल देख ही लिए हैं, अब देखते हैं अगर टाइगर वगैरह भी देखते हैं। तो क्रोकोडाइल यार मैंने भी पहली बार ही देखे थे, इससे पहले तो मैंने भी क्रोकोडाइल देखे थे यार। लाइन टाइगर के लिए आए तो हैं, बट इस टाइम पे ना यहीं पर ही थे। दिखा दिखा कहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल कोने पे, उधर ही कहीं जो है ना लायन बैठा हुआ है, लायन टाइगर या जो भी है, टाइगर है उस तरफ कहीं है, बट अभी दिख नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, आवाज आ रही है गर्जने की। भैया जा रहे हैं कुछ जुगाड़ करने के लिए, लायन पैंथर की ये पूरी की पूरी केज है। यहाँ पे देखो लायन पैंथर दिखते हैं या नहीं दिखते, अब ये देखो ये जो
कौवे अगर आपको दिख रहे होंगे ना, तो एक कौवे क्या खा रहे हैं भाई, जो लायन पैंथर का जो बचा हुआ मांस होगा ना, वो ये लोग निपटाने लग रहे हैं। देखो वो तो, ओहो सॉरी, हाँ मैं देखता हूँ, ऊपर जाता हूँ, चलो आ जाओ तुम लोग भी आ जाओ। हम तो देखो जी ऊपर हाइट पर भी आ गए, बट यहाँ पे बिना अभी कहीं कुछ देखने को नहीं आ रहा। यहीं पर ही मेरे ख्याल से इनकी केज वगैरह होगी, लायन पैंथर टाइगर वगैरह की। और इस टाइम पे ये तो बस संवर्धन ही नहीं, रुको, बिल्कुल अपने आप नहीं गिर जाएगी यहाँ से। ये तो भाई किस्मत की बात है कि इस टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। लो जी हल्की फुल्की चीज़ें तो दिखी जाती है, भालू तो दिख ही गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे। अच्छा 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 ये भी पक्षी पक्षी की तलाश में होगा मारने के चक्कर में। ओए बोरा बोरा, एक और बोरा, ये हाँ हाँ ये वुल्फ है, इंडियन वुल्फ। अच्छा ये गोल्डन जैकल है, ये इंडियन वुल्फ है। ये देख इसमें दिख रहा वो रहा, दिख रहा पॉक्यूपाइन। ऊपर है बेटा, जब तक वो हिलेगा नहीं ना। चलो अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जू के भी सारी चीजें दिखा दी हैं हमने भाई, जितने जानवर दिख पाए उतने हमने आपको दिखा दिए। बाकी जो पाइथन और ये जहाँ पे वो स्नेक्स वगैरह थे ना, वहाँ तो बहुत ही ज्यादा स्मेल थी, बहुत ही ज्यादा स्नेक और पैरट्स वगैरह। पैरट्स के तो आपने नॉइज सुन ली भाई, अब बड़ा तीखा टक 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 पटर पटर बोलते रहते हैं। तो चलो अब चलते हैं, अब थोड़ी सी ना एक काम करते हैं, पहले कुछ खा पी लेते हैं,
क्योंकि टाइम हो रहा है 6, झील में तो बोटिंग वगैरह तो इस टाइम पे भी हो रही होगी, रात तक भी होती रहेगी, वो भी कर लेंगे, मगर पहले थोड़ा बहुत खा लेते क्योंकि मुझे लग रहा भाई चलो लग क्या रहा है, भूख लग रही थोड़ी सी, चलो चलते हैं।